है जनरल विपिन रावत, एयर चीफ मार्शल का क्या नाम है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ नेवी के जनरल का क्या नाम है, वेरी वेरी बैड। जम्मू कश्मीर पुलिस जेकेपी इनके डीजीपी का क्या नाम है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस, उनका क्या नाम है? आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी रजौरी का क्या नाम है? डॉक्टर शाहिद इकबाल जी, गुड, बैठो। रजौरी के एसएसपी रजौरी का क्या नाम है? बोलो, श्री हरबंस लाल जी बोलते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े होकर कौन बुलाएगा, बोलेगा। नौशहरा के एसएचओ साहब का क्या नाम है? क्या कहते हो? और नौशहरा के एमएलए का क्या नाम है? पुत्र ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको आना चाहिए, ये आपको। अच्छा, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर रजौरी है उनका क्या नाम है? आप हमारी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है? हा? हमारी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है? हाँ, श्री नहीम अख्तर और टूरी है, टूरी है, मतलब डिपार्टमेंट चेंज हो गया, डिपार्टमेंट चेंज हो गया, मतलब दूसरा डिपार्टमेंट टूरी है। आहो, वो सड़कें बना रहे हैं हम, श्री अल्ताफ बुखारी साहब, गुड। और एक एमओएस हैं, एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन, उनका क्या नाम है? शाबाश, कोई श्रीमती प्रिया सेठी जी, नाम याद रहना चाहिए। हमारे देश के, सुनो, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी का क्या नाम है? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? हैं? शाबाश, श्री अरुण जेटली जी, बहुत अच्छा। और हमारे गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या बात है, शाबाश। और हमारे देश की विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, बीजेपी क्या बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप, पता, लेकिन निशाने ना ऐसी हमको नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप। और एक साउथ कोरिया का एक है बड़ा खतरनाक, ताना शाह। क्या नाम है उसका? किम जोंग। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये जो जनरल नॉलेज है बच्चों, ये आपको अपनी बढ़ानी है, आईक्यू। ये जनरल नॉलेज अगर आपका तेज होगा, और अपने घर में एक एक बुक्स लाओ जनरल नॉलेज की, वो पूरी कंप्लीट करो, पढ़ो, फिर और बुक्स लाओ, अपनी स्टडीज जो आप डेली स्कूल में आके पढ़ते हैं, इसके साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज होना बड़ी जरूरी है। ये वीडियो सर ने
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ? 12 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਾਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਡੇਰੀ ਬਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ? ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਲੀਡ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। तो क्या महसूस होता है यहाँ पे आपको अपना घर छोड़ के? अपना घर अपना ही होता है यहाँ पे। हमें एक स्कूल में ऐसे भर दिया गया है जैसे ना पशुओं को भरते हैं, ठीक है ना? ऐसे तो पशु हमारे वहाँ पे ना, हम पशुओं को ऐसे एक कमरे में बंद करते हैं। यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, पशु भी नहीं ऐसे रहते। हम तो जानवरों में, हमारी गिनती ना इस टाइम जानवरों में है। कितने दिन हो गए हैं आपको? हमें एक हफ्ता हो गया है यहाँ पे। तो आपके स्कूल के जो बच्चों की पढ़ाई खराब है, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं आपके सामने है, देखो। तो क्या गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि अगर कुछ करना चाहते हो तो करो, मतलब जा आर पार करो, जो लड़ाई आर पार करो। हम जितने जिएंगे कम से कम आराम से तो रहेंगे, जो मरेंगे मर जाएंगे, या फिर हमें कोई पक्का ठिकाना दिया जाए। मतलब इस तरीके से हम गायें भैंसों की तरह हम एक अंदर नहीं रह सकते। मैडम, अगर कैंप्स की बात की जाए तो कैंप्स में जो खाने पीने की सुविधाएं हैं वो कैसी हैं? खाने पीने की सुविधा मतलब जैसे घर में होती है ऐसी तो वैसे तो नहीं होगी निश्चित तौर पर, वैसे थोड़ी ठीक ही हैं। हम उन्हें कहते हैं, डिमांड्स रखते हैं, वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके की नहीं है जैसे हमें चाहिए। जिस तरह से आज सिख समुदाय के काफ़ी लोग भी आए थे, बॉलीवुड एक्टर भी आए हुए थे, उनकी तरफ से आपको क्या मदद मिली? और यहाँ पे कैंप वगैरह भी लगाए हुए हैं खाने के लिए, लंगर लगाए हुए हैं। तो हमारे पास कुछ हमें अभी मिला नहीं उनकी तरफ से, जब मिलेगा तब बता देंगे। तो क्या खालसा एड जो काम कर रहा है वो पिछले कुछ दिन वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वो हमें मतलब खाना वगैरह बना के दे रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। खाने में कोई कमी नहीं है उनकी।